अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन लेता, अगर मैं मोदी होता तो मैं लोगों को 15 लाख देता, अगर वो मुझे हाँ कहती तो मैं उसे खुश रखता। लेकिन इन्हीं बातों को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो फिर लोग बोल नहीं पाते। क्या आप बोल पाते हो? अगर नहीं बोल पाते हो तो आज के बाद टेंशन नहीं है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि ये सब बातें कि मैं ऐसा करता वैसा करता ऐसा होता वैसा होता कैसे बोलते हैं। चलो ना सीखते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, अगर तुम आते तो मज़ा आता, अगर मैं वहाँ होता तो उसे बताता। इन सब बातों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ऐसी काल्पनिक बातें जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल बातें, मतलब वो सच नहीं है, आप कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता। तो ऐसी बातों में आप उड़ का इस्तेमाल करते हैं, और उड़ के साथ में आप लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इफ बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा देंगे और बाद में सब्जेक्ट उड V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको कहना हो कि भाई अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ आता, इफ़ यू केम, अगर तुम आते, आई वुड कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आता। तुम आए नहीं तो मैं भी नहीं आया, लेकिन अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ आता। इफ़ यू केम आई वुड कम विथ यू, अगर वो हाँ कहती तो मैं उसके साथ शादी करता। इफ़ शी सेड यस आई वुड मैरी हर, लेकिन उसने हाँ तो कहा नहीं। चलो जाने दो, आगे देखते हैं। अगर वो आता ना तो मैं उसे सबके सामने लात मारता। इफ ही केम आई वुड किक हिम इन फ्रंट ऑफ ऑल, लेकिन वो आया नहीं। अगर तुम अकेले गए होते तो गुंडों ने तुम्हें किडनैप किया होता। इफ यू वेंट अलोन गुंस वुड किडनैप यू, अगर मैं मोदी होता, मैं तो मोदी हूँ नहीं लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि अगर मैं मोदी होता तो मैंने लोगों को 15 लाख दिए होते। इफ आई वर मोदी, ध्यान दो, वैसे तो हम आई के लिए वॉज कहते हैं, लेकिन ऐसी काल्पनिक बातों में जहां पे आप है नहीं बस कल्पना करते हो, तो वहां पे सब्जेक्ट चाहे आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, सभी के साथ वर का इस्तेमाल होता है, वॉज का नहीं। तो आप कहेंगे इफ आई वर मोदी आई वुड गिव 15 लाख टू पीपल, लेकिन मैं मोदी हूँ नहीं, जाने दो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय आईफोन, अगर मैं अंबानी होता तो मैं पूरा देश खरीद लेता। इफ आई वर अंबानी आई वुड बाय इंटायर कंट्री, लेकिन मैं हूँ नहीं, जाने दो। अगर मैं लड़की होता तो मैं साड़ी पहनता। इफ आई वर अ गर्ल आई वुड वेयर अ साड़ी, लेकिन हूँ नहीं ना, जाने दो। अगर मैं अमीर होता तो मैं खुश होता। इफ आई वर रिच आई वुड बी हैप्पी, ऐसा आपको लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं, अमीरी के बाद भी खुशी की कोई गारंटी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव बातें। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम नहीं आते तो मैं नहीं जाता। इफ यू डिडंट कम आई वुडंट गो, अगर तुम टिफिन नहीं लाते तो मैं खाना नहीं खाता। तो आप कहते इफ यू डिडंट ब्रिंग अ टिफिन आई वुडंट डाइन, अगर वो हाँ नहीं कहती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता। इफ शी डिडंट से यस आई वुडंट मैरी होल लाइफ, अगर आप किसी के बर्थडे पे गए बिना गिफ्ट के
और आप उसे बताना चाहते हो कि भाई अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बगैर गिफ्ट के नहीं आता, तो आप कहेंगे इफ़ आई हैड मनी आई वुडेंट कम विदाउट अ गिफ्ट। पैसे नहीं है तो आगे ऐसे ही, लेकिन अगर पैसे होते तो मैं बिना तोहफे के नहीं आता। इफ़ आई हैड मनी आई वुडेंट कम विदाउट अ गिफ्ट। अब आपको कुछ सवाल पूछना हो कि ऐसा हुआ होता तो वैसा होता क्या, वैसा हुआ होता तो वैसा होता क्या, तो आप सवाल पूछेंगे इफ़ आई डिडंट कम, अगर मैं नहीं आता, इफ़ आई डिडंट कम वुड यू गो अलोन, क्या तुम अकेले जाते। इफ़ आई डिडंट कम वुड यू गो अलोन, मतलब अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम अकेले जाते। मैं कहूँ कि अगर नेहा हाँ नहीं कहती तो क्या पंकज आत्महत्या करता, तो आप कहेंगे इफ़ नेहा डिडंट से यस वुड पंकज कमिट सुसाइड। मैं कहता हूँ कि अगर मैं टिफ़िन नहीं लाता तो क्या तुम दिन भर भूखे रहते। इफ़ आई डिडंट ब्रिंग अ टिफ़िन वुड यू स्टे हंग्री होल डे। अब देखते हैं कुछ WH क्वेश्चंस। तो आप कहे कि अगर तुम मोदी होते तो तुम क्या करते। इफ़ यू वर मोदी व्हाट वुड यू डू, अगर आप मोदी होते तो क्या करते। इफ़ यू वर मोदी व्हाट वुड यू डू, बताओ कमेंट करो। अगर तुम लड़की होते तो क्या पहनते। इफ़ यू वर अ गर्ल व्हाट वुड यू वेयर, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होते तो तुम क्या खरीदते। इफ़ यू हैड 1 crore rupees व्हाट वुड यू बाय, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होते तो तुम कहाँ घूमने जाते। इफ़ यू हैड इनफ मनी वेयर वुड यू गो टू वेंडर, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होते तो तुम कहाँ घूमने जाते। इफ़ यू हैड इनफ मनी वेयर वुड यू गो टू वेंडर, अगर तुम सलमान खान होते तो क्या करते। इफ़ यू वर सलमान खान व्हाट वुड यू डू, अगर तुम इंग्लिश सीखते तो तुम्हें नौकरी मिलती। इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू वुड गेट अ जॉब, लेकिन टेंशन मत लो मैं हूँ, तो फिर करो सब्सक्राइब, करो शेयर और लाइक तो बनता है ना बॉस, कर दो फिर।